नमस्कार जोहार, ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हम बोकारो के दिल नया मोड़ में हैं और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि आज के दिन आईटीआई मोड़ से नया मोड़ तक डहरे करम बेड़ा का आयोजन किया गया था बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा। हमारे बीच में प्रखर वक्ता दीपक केसीआर जी हैं जो गोड्डा से आए हुए हैं और दादा से हम आज समझना चाहेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुर्मी समाज का नेतृत्व करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जानकार भी बहुत हैं। भैया आपका स्वागत है ग्रामीण टीवी में। सबको नमस्कार जोहार जय ग्राम। दादा ये बताइए कि आज आप लोग या आप जैसे गोड्डा में इस तरह का प्रोग्राम किए, बोकारो में अगला साल भी हुआ, इस साल भी हुआ और ये विहंगम दृश्य बता रहा है कि कहीं ना कहीं लोग अपनी संस्कृति से कितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो ये बताइए कि हमारी अपनी संस्कृति कौन कौन है और बाहरी संस्कृति कौन कौन है, और जो लोग गांव से आज बाहर आए, शहर आए, कहीं ना कहीं बाहर से जो लोग आए रचे बसे उनकी संस्कृति को वो अपना बैठे हैं, तो ये ज़रा पूरा बताइए सबको। देखिए सबसे पहले तो आपके दर्शकों को अभिवादन, स्वागत, धन्यवाद। अब जहाँ तक अपनी संस्कृति, तो हमारी हम लोग आदिम जनजाति हैं, भारत सरकार का ऑन रिकॉर्डेड आदिम जनजाति है, और आदिम जनजाति आदिवासी जो भी होता है वो आकृति और मूर्ति का पूजा नहीं करता है, वो प्रकृति का पूजा करता है। अब प्रकृति में आकृति और मूर्ति का कोई स्थान नहीं है, इसी से क्लियरिफिकेशन हो जाता है कि कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। तो ये जो आज डहरे करम बेढ़ा, इसका आपको निहितार्थ अर्थ समझिए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और अर्थ क्या है और मतलब क्या है। डहरे कुड़माली भाषा में रास्ता को डहर बोला जाता है और करम का मतलब हुआ करम की डाली और करम का डर, दोनों ले करके, और बेढ़ा, बेढ़ा मतलब कुड़माली भाषा में होता है निकलना। तो इसका पूरा लाइन का मतलब हुआ कि एक साथ करम लेकर के एक साथ रास्ते में निकलना, चलना सामूहिक रूप से, लयबद्ध होके, पंक्तिबद्ध होके, सामूहिक रूप से। अब आपका सवाल था, अब आपका सवाल था कि अपना कौन, पराया कौन, तो ये हम लोग कुड़मी आदिवासी हैं और कुड़मी आदिवासी किसान है, किसान, और किसान अन्न उगाता है, खेत जोतकर धरती का सीना चीर कर अन्न उगाता है, और ये दुनिया का पालनहार है क्योंकि हम अन्न उगाते हैं, अन्नदाता हैं, और हमारे खून पसीने और मेहनत से जो अन्न उगता है वो हम भी खाते हैं, मेरा परिवार भी खाता है, मेरा समाज भी खाता है, देश और पूरी दुनिया खाता है। तो कुड़मी आदिवासी दुनिया का पालनहार है और कुड़मी आदिवासी आदिम जनजाति है, आदिवासी है, ट्राइबल है, एसटी है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत सरकार का खतियान बोल रहा है, रिकॉर्ड बोल रहा है कि हमारा रिकॉर्ड आज भी संरक्षित है, सुरक्षित है, भारत सरकार इसको पलटा कर देखे। और जो भी आदिवासी होता है उसका अपना भाषा, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर होता है। क्यों होता है? जो आदिवासी होता है किसी भी भूभाग में उसी को आदिवासी माना जाता है, जो सबसे पहले से वास कर रहा है, निवास कर रहा है और उस विभाग भूभाग में रह रहा है, मतलब उस भूभाग का मालिक होता है। और जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी समाज अगर कहीं सबसे पहले वास करेगा, निवास करेगा, तो समाज संचालन के लिए भाषा का निर्माण करेगा, विचारों के आदान प्रदान के लिए, उसके बाद वो समाज संचालन के लिए सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, वो अपना मन बहलाने के लिए गीत नृत्य संगीत का निर्माण करेगा, अक्षर से उसका जितना है जीवन से लेकर मृत्यु तक
आदिवासियों का अपना होता है, पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ, चाहे वो सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था हो, भाषा हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, कल्चर हो, एनीबॉडी जीवन से लेकर मृत्यु तक किसी भी कोई भी संस्कार में दूसरे का हस्तक्षेप आदिवासी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे पूर्वज ने हर वो चीज दिया है। भाषा, सभ्यता, संस्कृत, गीत, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, नाच गान, सुर ताल, सारा कुछ हमारा है। हमको किसी से उधार पहचान लेने का जरूरत नहीं। अरे यार, ये डहरे कर्म, ये कर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ रिलेटेड है, ये खेती और किसानी से जुड़ा हुआ ये पर्व है, और जो है, और ये भाई बहन का पर्व है। और भाई बहन कहने का मतलब है कि बहन शब्द जैसे आ गया, स्त्री वर्ग महिला वर्ग का भी संरक्षण करना है, बहन का संरक्षण करना है, और भाई शब्द जैसे जुड़ गया तो भाइयों का भी, यानी बेटों का भी संरक्षण और बेटियों का भी संरक्षण है। और यह प्रकृति और कहीं भी मूर्ति का आपको और आकृति का दर्शन नहीं होगा, ये पूरी तरह से प्राकृतिक पर्व है और जो कि मेरा है। और जितना भी मैं कुड़मी आदिवासियों का 12 महीना में 13 पर्व होता है, जिसमें किसी में भी आकृति और मूर्ति का इस्तेमाल नहीं होता है। हमेशा जो प्रकृति ने स्वरूप अपने से निर्माण किया है, हम लोग उसी का पूजा अर्चना करते हैं। और हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि मेहनत के बल पर, कर्म मतलब कर्मशील, कर्म प्रधान गतिविधियां और कर्मशील समाज का निर्माण करना है, और किसी पर भरोसा नहीं करना है, अपने बाजुओं पर, अपने खून पर, अपने जो ताकत पर, अपने खेत जोतना है और खुद भी खाना है, अन्न उगाना है, दुनिया का भी पालन करना है। इतना विहंगम, इतना विशाल हृदय वाले हमारे पूर्वज थे, इतने गुणवान और ज्ञानी थे, जिन्होंने हमें जीवन से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार हमें दिए हैं और सभी प्रकृति से रिलेटेड है। इसमें दूसरे का हस्तक्षेप हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज जो, और सबसे दुखद बात यह है कि करम परब झारखंड का सरकारी पर्व है, राजकीय पर्व है, उसके बाद भी सरकार की गतिविधियां इसके अच्छी नहीं दिखती है। आज जगह झारखंड में कोई दुर्गा पूजा, काली पूजा है, और जो है छठ पूजा, ये सब होता है तो पूरा जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, राज्यपाल से सीएम से लेकर पीएम से लेकर डीएम तक सब एक्टिव हो जाता है और राजकोष का पैसा इस्तेमाल होता है। लेकिन जो राजकीय पर्व है कर्मा, झारखंड का सरकारी पर्व है, और हमारा जो है सबसे मुख्य त्यौहार और पर्व में से एक है, उसमें अभी भी सरकार उदासीन है। सरकार को ये चेतावनी देते हैं, ये जो सड़कों पर जनसैलाब उमड़ रहा है, ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आ रहा है। और अगर आपकी नींद नहीं खुली तो याद रखें, आपको उखाड़ के फेंकने में भी ये जनता और झारखंडी जनता पीछे नहीं हटेगी। इसीलिए आपसे, सरकार से निवेदन है कि जिस तरह से दूसरों के पर्व त्योहारों का संरक्षण आप कर रहे हैं सरकारी कोष से और सरकारी सिस्टम से, उसी तरह हमारे पर्व त्योहारों को, कर्मा जितिया टूसु 12 महीना में जो 13 पर्व है, उनका भी सरकारी कोष से और सरकारी सिस्टम को लगा करके संरक्षित करिए। वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में आपको भुगतना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। तो ये थे दीपक महतो केसीआर, जो गोड्डा से चलकर आए हैं और हमारे सवाल का जवाब दे रहे थे। अच्छा दीपक दा, एक बात बताइए, ये जो संस्कृति है, जो लोग बाहर से आए, रचे बसे, आज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तमाम जो सरकार के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग संरक्षण करते हैं, उनको इसको अहमियत देते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं जितना मिलना चाहिए संरक्षण, उतना नहीं मिल रहा है। तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, जो नाचे सो बाँचे। अगर आप नहीं नाचेंगे, नहीं कूदेंगे, तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। ये हमें किसी योग की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने समाज संचालन के लिए इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया है, नाच गान सुर ताल, ये हमारा योग भी है, ये मेरा योग है। किसी सरकारी पैसे से योग का जरूरत नहीं है। ये हमारे इतना सुंदर, अगर थकान हो गया है तो आप झूमर नाचिए, कर्मा नाचिए, टूसु नाचिए, मांदर बजाइए, नगाड़ा बजाइए, टेटकी बजाइए, ये इतना सुंदर बेहतरीन सिस्टम हमारे पूर्वजों ने दिया है। तो ये जो सरकार की उदासीनता का प्रश्न है, तो इसका मुख्य कारण ये है, शहर
झारखंड खनिज संपदाओं से प्रचुर राज्य है। भारत का 40% खनिज संपदा झारखंड में है, इसीलिए झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज संपदा का लूटपाट के लिए या इसके दोहन के लिए सरकार खुद है। और इसके दोहन से ये जो दोहन आखिर करेगा कौन, दोहन होगा कौन और किस तरीके से होगा, उसके लिए कंपनियां लगेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, बड़े बड़े खदान खोले जाएंगे। तो खदान किसके जमीन में खोलेंगे, किसके जमीन में खनिज है, तो कुर्मी महतो के जमीन में खनिज है, कुर्मी महतो का जमीन है, तो आप फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, कुर्मी महतो के जमीन में लगाएंगे। तो जमीन जब कुर्मी महतो का है तो आपको कुर्मी महतो को आप वहाँ से विस्थापित करेंगे, तब तो फैक्ट्री और खदान खोलेंगे। जब हमारा विस्थापन हो जाएगा, मेरा रचा बसा घर उजड़ जाएगा, मेरा रचा बसा समाज उजड़ जाएगा, तो मेरी संस्कृति नहीं उजड़ेगी, मेरे संस्कृति में बदलाव नहीं आएगा, मेरा संस्कृति छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगी, मेरी संस्कृति टूट नहीं जाएगी, बिखर नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं हो जाएगी, अस्त व्यस्त नहीं हो जाएगी। तो ये हुआ है, ये जो शहर बड़े बड़े शहर हैं, शहरों में हमारे लोग बहुत कम आए, क्यों, क्योंकि सारे लोगों को माइग्रेट करके यहाँ आए हैं और हमारे लोग आज तक माइग्रेट नहीं हुए हैं, अपना जल जंगल जमीन छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए हैं। और शहर माइग्रेट किए हुए लोगों का निवास स्थान है। और इतने लोग, इतने खदान खुले, इतने कंपनियां खुली, ECL BCL टाटा टिस्को टेल्सको जो है इतना खुल गया, इतना डैम बांध दिए, मेरा पूरा का पूरा समाज विस्थापन का शिकार हो गया, जिसके कारण हमारी संस्कृति बिखर गई, अस्त व्यस्त हो गया, बर्बाद कर दिया सरकार ने हम लोगों को, और उल्टे हमारा आदिवासी अधिकार भी छीन लिया। जब आदिवासी अधिकार छीनने से सीधा तत्पर है कि मेरा संवैधानिक कवच आपने छीन लिया, और जिस देश में, जिस इलाका में, जिस राज्य में, जिस भूभाग में जिसका शासन होता है, प्रशासन होता है, वो एक संविधान होता है, कानून होता है, अगर वो कानून, वो संविधान आपको अगर संरक्षित नहीं करता है, सुरक्षित नहीं करता है, सुरक्षा कवच प्रदान नहीं करता है, तो आपको बर्बाद होने से, मिटने से कोई नहीं रोक सकता है। यही चीज सरकार हमारे साथ कर रहा है, मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे विस्थापित कर रहा है, मुझे अपने जल जंगल जमीन से हटा रहा है, मेरे कल्चर को बर्बाद कर रहा है, मेरे सभ्यता को बर्बाद कर रहा है, मेरे भाषा को बर्बाद, जो जिसकी भाषा बर्बाद हो गई उसका विनाश तय है। भाषा इतना बड़ा चीज है कि देश बना दिया, राज्य का निर्माण कर दिया, तमिलनाडु तमिल भाषा से बन गया, पंजाब पंजाबी से बन गया, गुजरात गुजराती से बन गया, बांग्लादेश बंगाल बंगला भाषा से बांग्लादेश का निर्माण हो गया। भाषा में इतनी शक्ति है। इन लोग जानबूझ के हमारे संस्कृति को बर्बाद कर रहा है ताकि ये एक मजबूत शक्ति का उभार न हो, एक मजबूत शक्ति का उभार न हो, इसी कारण से ये हमारे भूभाग को भी बांट रहा है, मेरे जनसंख्या को भी बांट रहा है। कभी मेरे जनसंख्या को, भूभाग को कभी पश्चिम बंगाल में ठेल दे कर देता है, मिला देता है, कभी उड़ीसा में मिला देता है, कभी छत्तीसगढ़ में मिला देता है। ये तमाशा हो रहा है, हमारे साथ खेल चल रहा है, मेरे साथ साजिश हो रहा है, कुर्मी आदिवासियों के साथ साजिश हो रहा है। सरकार को ये चेतावनी है, ये भीड़। मैं गोड्डा से अभी आया हूँ, गोड्डा में इतने लोगों ने डहरे क्रम में उतरा कि आजादी से पहले, 1947 से पहले और 1947 के बाद सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। आज तक किसी ने इतना बड़ा रोड शो नहीं किया। तो ये रोड शो मैं ये एक प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकार के लिए चेतावनी है कि आने वाले दिन अगर आप हमें अपना अधिकार वापस नहीं करते हैं, हमारे भाषा सभ्यता संस्कृति को संरक्षित नहीं करते हैं, सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं, संवैधानिक अधिकार नहीं देते हैं, हमको आदिवासी में शामिल नहीं करते हैं, तो ये भीड़ एक दिन आपको उखाड़ के फेंकेगा और बर्दाश्त नहीं करेगा। ये दीपक महतो जी कहीं ना कहीं लगातार सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारा परंपरा है, कहीं ना कहीं सरकार इस पर उदासीनता दिखा रही है, जबकि हमारी सरकार है। अच्छा बताइए दीपक जी, ये जो डहरे करम बेहड़ा हुआ प्रोग्राम हुआ, इसमें मैं बताते चलूँ कि यहाँ हर राजनीतिक दल के लोग नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग तो नज़र आ ही रहे हैं जो खतियानी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग कहीं भाषा संस्कृति की बात आती है तो हम लोग ना पार्टी को देखते हैं ना और किसी चीज़ को देखते हैं, आगे आ जाते हैं। तो ये
चुनाव में इसका असर दिखेगा क्या, क्योंकि आज कहीं ना कहीं करम परब को देखते हुए हर पार्टी हर दल के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो चुनाव में भी ऐसा दिखेगा कि अपनी झारखंड को बचाने के लिए सब एक मंच में आ जाओ। आपको याद होगा राज्य की राजधानी रांची के धरती पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछला विधानसभा चुनाव में भाजपा को चेतावनी दिया था कि अगर आप मुझे अधिकार नहीं दिए तो आपके उखाड़ के फेंक देंगे, और अगर ताकत हो तो आप जीत के दिखा दो, और उखाड़ के फेंक दिया। आज भी पेपर कटिंग और मीडिया का स्टेटमेंट मेरा वहाँ फाइल में रखा हुआ है, उखाड़ के फेंक दिया। तो ये चेतावनी है, ये भीड़ नहीं है, ये विचारों से बंधा हुआ भीड़ है, ये सामाजिकता से बंधा हुआ भीड़ है। मैं तो वही कह रहा हूँ दीपक दा, कि हमारी संस्कृति आज कहीं ना कहीं खतरे में है, उसको बचाने के लिए हर राजनीतिक दल के लोग नजर आ रहे हैं इस बैनर के नीचे, लेकिन आने वाले समय में झारखंड में तमाम लोग विस्थापित हो गए, कई लोग विस्थापित हो गए हैं, कितने लोग घर द्वार छोड़ गए, रोजी रोटी के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये तमाम समस्या के लिए क्या झारखंड एक मंच में आएगा? अगर आप राजनीति शब्द का इस्तेमाल किए हैं एकदम करेंगे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो ये भीड़ आप किस पार्टी में हैं, किस संगठन में हैं, किस समूह में हैं, ये मायने नहीं रखता है। ये जो है आज राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने में, प्रदेश अध्यक्ष बनने में 24 साल लग गया, 24 साल लग गया। ये भाजपा के लिए भी चेतावनी है, अगर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो ये भाजपा वालों, आप प्रदेश अध्यक्ष कब बना रहे हो? ये भीड़ आपको खुला चुनौती देने के लिए सामने खड़ा है। गंगवार जी को तो राज्यपाल बना के ले आए भैया। अरे राज्यपाल वो संवैधानिक पद है, वो जो है ये नीति निर्माण नहीं करती है, नीति निर्माण सदन में होता है, और सदन में राज्यपाल नहीं बैठते हैं, सदन में विधायक बैठते हैं, एमपी एमएलए बैठते हैं। सदन यहाँ पर जो है सदन निर्णय करेगी, ये हुक्मरानों ये सुन लो, जो सदन के अंदर सदन के बाहर हो, ये आपके लिए ये भीड़ खुला चुनौती खड़ा किया है। और राजनीति आज जिस किसी भी दल में है, ये समाज नेता लोग बनता नहीं है, नेता समाज बनाता है, समाज जिसको जो जिसको चाहेगा वो नेता बनेगा, व्यक्तिगत कोई नेता नहीं बन सकता है। आज समाज आज रोड में उतरा है, यूं ही नहीं आ गया है, यूं ही नहीं आ गया है, इतना प्रताड़ित किया गया है, इतना सताया गया है, इतना लतियाया गया है, इतना घसीटा गया है, इतना गरियाया गया है, इतना हमें लूटा गया है, पैरों तरे कुचला गया है, हमें बर्बाद किया गया है, हमारी बच्चों का नौकरियां छीन ली गई, जल जंगल जमीन संपत्तियां छीन ली गई, मुझे गुलगुलिया बनने के लिए विवश करना पड़ा है। आज हम कहते हैं 24% है, 25% है, इन लोगों के कान में जू नहीं रहेगा, अभी ये बताएंगे हम 24-25% कैसे हैं। अभी तो सिर्फ 5% भी रोड में नहीं आए हैं, जिस दिन 50% हमारा समाज रोड में आ गया, इन लोगों की नींद हराम नहीं कर दी, और इन लोगों का जहाँ दांत तले उंगलियों ने दबा लिया ये लोग, तो ये लोग याद रखेगा, आने वाला दिन हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। झारखंड हमारे पूर्वजों ने बलि वेदी पर चढ़कर सीने में गोली खाकर शहादत देकर झारखंड लिया है, कोई भीख में झारखंड नहीं दिया है, इसलिए झारखंड हमारा है। और यहाँ पर और जब सरकार का बात कर रहे हैं ना, सरकार किसको बोलते हैं, चंद ने चुनाव होने से चंद नेता बदल जाने से चंद नेता बदल जाने से सरकार बदल जाती है क्या? चंद नेता बदल जाने से सरकार बदल जाती है क्या? लोकतंत्र में चार पहिया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। क्या कार्यपालिका में चुनाव होता है? नहीं होता है। क्या न्यायपालिका में चुनाव होता है? नहीं होता है। क्या मीडिया में चुनाव होता है? नहीं होता है। चुनाव सिर्फ व्यवस्थापिका में होता है। तो क्या चार गो एमपी एमएलए विधायक और मुख्यमंत्री बदल जाने से सरकार बदल गया? नहीं, एसपी वही रह गया, डीसी वही रह गया, चीफ सेक्रेटरी वही रह गया,
जज वही रह गया और जो है मीडिया वही रह गया, सब तो वही रह गया। चार गो नेता बदलने से सरकार बदलना और सिस्टम बदलना मैं नहीं मानता हूँ, पूरा सिस्टम बदलने का जरूरत है, चार नेता बदलने से काम नहीं बदलने वाला। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप लोग बोकारो के नया मोड़ से देख रहे थे और ये नया मोड़ में गोड्डा से दीपक जी पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये अपनी बात बड़ी प्रखर तरीके से रखते हैं। आप लोग क्या समझ रहे हैं, अपना कमेंट और वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जोहार जय झारखंड।